नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आठ फेरे लेकर पहलवान विवेक संघ शादी के बंधन में बंधी बबीता फोगाट। फोगाट की शादी में कई विदेशी पहलवान हुए शामिल। जलवायु परिवर्तन पर चंडीगढ़ में होगी चर्चा। चर्चा करेंगे 15 विदेशों के मेयर। और अब समाचार विस्तार से। दंगल गर्ल बबीता फोगाट रविवार देर शाम 8 फेरे लेकर भारत केसरी पहलवान विवेक सुहाग के साथ शादी के बंधन में बंध गई। दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों ने 7 फेरों के बजाय 8 फेरे लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। जानकारी के मुताबिक इस शादी समारोह में परिवार के अलावा कई विदेशी पहलवान भी मेहमान के रूप में शामिल हुए। बुलाली गांव में हुई ये शादी बिना दाज दहेज और साधारण रीति रिवाज तथा तमाम हिंदू रस्मों के साथ संपन्न हुई। रविवार को हुई यह शादी बेहद साधारण तरीके से हुई। इस शादी में सिर्फ 21 बाराती ही शामिल हुए। हालांकि आज यानी 2 दिसंबर को दोनों पक्षों की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अनेक नेताओं, देश और विदेश के पहलवानों को भी संदेश भेजा गया था। सोनीपत जिले के घनौर थाने में सोमवार सुबह करीब 6 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग थाने में खड़ी बाइकों में लगी थी। इसी कारण करीब 1 दर्जन से ज्यादा बाइक जलकर राख हो गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घनौर थाने के SHO बदन सिंह ने बताया कि थाने में इम्पाउंड की हुई बाइक खड़ी हुई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब 6 बजे इन बाइक में आग लग गई। उन्हें जब तक पता चला तब तक बाइक आग की चपेट में आ चुकी थी। आनन फनन में दमकल विभाग की गाड़ियों को फोन किया गया और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझाई। जलवायु परिवर्तन को लेकर चंडीगढ़ में मंथन होने जा रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नगर निगम मिलकर यह आयोजन कर रहे हैं। 5 से 7 दिसंबर तक 15 प्रदेशों के 95 मेयर कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसमें भारत सरकार के 17 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही नए एजेंडे पर चर्चा होगी। साथ ही शहरों के योगदान पर भी चर्चा होगी। विभिन्न शहरों से मेयर अपने शहर के विकास कार्य भी साझा करेंगे। सेक्टर 19 स्थित क्रिड में 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश में छात्राओं के लिए 181 स्पेशल बसें चलाने जा रही है। हाल ही में गठबंधन की सरकार ने नोटिस जारी किया है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्पेशल बसें लगाई जाएंगी, जिससे प्रदेश की बेटियों को कॉलेज में आने जाने में सुविधा मिलेगी और वे अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगी। भिवानी के इनसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया और सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की प्रशंसा की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की छात्राओं के लिए 181 बसें फ्री चलाई गई हैं उसको लेकर की गई है, और इसमें हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का प्रदेश की छात्राओं के बारे में सोचने के लिए, उनको घर से कॉलेज तक पहुंचाने के लिए, वापस छोड़ने के लिए जो भी बसें दी गई हैं वो दुष्यंत चौटाला के अथक प्रयासों से दी गई हैं, और हम पूरे छात्र संगठन इनसो की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 181 बसें हरियाणा सरकार द्वारा दी गई हैं और हरियाणा के प्रत्येक कॉलेज में ये जहाँ व्यवस्था नहीं है, लड़कियों को छात्राओं को घर से आने जाने में साधन मुहैया नहीं होते, वहाँ उन विशेषकर उन क्षेत्रों में ये बसें दी जाएंगी। और बाकायदा कॉलेजों में नोटिस जारी हो चुका है कि आप जिन छात्राओं को ये कहा गया है कि लाइन्स क्लब उकलाना द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि SMC अस्पताल उकलाना के संचालक डॉक्टर राजेश सिंगला ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उकलाना के SSO हवा सिंह ने की। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जहां लोगों को जागरूक किया गया, वहीं मोटरसाइकिल एवं गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। इस अभियान के द्वारा नशा करके वाहन न चलाने और सड़क के सुरक्षा नियमों को अच्छे और सही ढंग से पालन करने के निर्देश दिए गए। सबसे पहले तो मैं लाइन्स क्लब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज ट्रैफिक डे कैंपेन चलाया है। ये लाइन्स क्लब हमारा कम से कम 23 साल से यहाँ सेवा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि अपने भविष्य में भी इस तरह कैंपेन चलाते रहेंगे। और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है, अपने छोटे बच्चे को वही सुना दें, जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनके भी अपना संभाल करें और बगैर हेलमेट के तो व्हीकल ना चलाएं, इससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है। और जो बच्चे मोबाइल का यूज़ करके व्हीकल चला रहे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ मोबाइल का यूज ना करें। सर, जिस प्रकार से दुर्घटनाएं होती हैं हम देखते हैं, अमूमन आज इसका जो है रेशो भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो वो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए? अवेयरनेस का ये कंपेन हमारे को बार बार चलाना चाहिए,
लोगों में समझाना चाहिए। बाकी ट्रैफिक पुलिस है अपना काम कर रही है कि लोगों में समझा भी रही है, चलान भी कर रही है। चलान का मकसद हमारा कोई किसी को पता भी चलना नहीं है, सिर्फ लोगों में जिंदगी बचाने के लिए हम ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उकलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाए गए कच्चे कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में वह 8 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी के लिए सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक उकलाना की कन्वेंशन ब्लॉक प्रधान राकेश मंडा किसान सभा नेता दयानंद डोकिया की अध्यक्षता में आशीर्वाद गार्डन में की गई। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए जिला प्रधान सुरेंद्र यादव बिजली के राज्य नेता सुबे सिंह कादयान ने कहा है कि उकलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शार्प ग्लोबल इंडियन कंपनी ने कच्चे कर्मचारी को बिना कसूर ड्यूटी से निकाल दिया है, जिस कारण ड्यूटी से हटाने के उपरांत कच्चे कर्मचारियों का आंदोलन 8 नवंबर से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 8 जनवरी 2020 की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचा जा रहा है। रेलवे, बीमा, ऊर्जा क्षेत्र है, BPLC है, पेट्रोलियम है, संचार है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहे हैं। उसको लेकर 8 जनवरी की हड़ताल की तैयारी के लिए कन्वेंशन की जा रही है। सर्व कर्मचारी संघ मांग करता है प्रशासन से और लोकल मंत्री होने के नाते कि जो ये कच्चे कर्मचारी हटाए गए उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस ड्यूटी पर रखा जाए, अन्यथा हम ये आंदोलन इसके अलावा सभी जिला के अधीन जितने भी ब्लॉक हैं उनमें बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करेंगे। पानीपत के गांव वपोली के पास जीटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार शख्स ने साजिद नाम के मजदूर को जोर से टक्कर मार दी, जिस कारण साजिद की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि बाइक चालक अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। एक्सीडेंट हुआ था जी, ये ट्रैक्टर ट्राली में पीछे रोकन रस्सा टाइट कर रहा था तो पीछे मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी थी, वो मोटरसाइकिल वाला इन्हें टक्कर मारी है, उन्हें संभाल लाए गए मोटरसाइकिल वाला वहाँ से मुख्य थे, मोटरसाइकिल में बल बात है। तो इसकी मौके पर मौत हो गई थी जी, ये परिवार वाले बता रहे थे भी हम एक दो और आदमी जब साथ में था इसके हॉस्पिटल पर ले जाने के लिए तो होंगे, लेकिन मुख्य पे बता रहे हैं तो जो इसके साथ में बाइक वाला पकड़ लगे नहीं, अभी तो बाहर गया, अभी पकड़ लेंगे, कार्रवाई पोस्टमार्टम करवाने के बाद। ये रहने वाला कहाँ से रहता है? मृतक था यूपी में, गाँव पड़ता है बुढ़ाना तहसील में, हुसैनाबाद बनवाड़ा वहाँ का रहने वाला। किसानों की आय बढ़ाने के क्षेत्र में बैंक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बैंक द्वारा किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ उनको आर्थिक तौर पर वित्तीय सहायता देने के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुद्रा लोन, योनो कृषि स्वयं सहायता समूह के तहत ऋण दिया जा रहा है। ये कहना है भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शनिवार को CSSRI परिसर में आयोजित भारतीय स्टेट बैंक किसान मेला के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित किसानों तथा उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। ये भी कह सकते हैं कि पहली दफ़ा इस तरह का हमने प्रयास किया है हमारे स्टेट बैंक के चंडीगढ़ मंडल में, और इस शुरुआत में हरियाणा राज्य से की है, और कोशिश ये थी कि एक ही मंच पर हमारे किसान भाई, हमारे SHG, हमारे जो CSP हैं जो सहयोग करते हैं, बैंक दोनों को सहयोग करते हैं, हमारे ग्राहक को भी और हमारे बैंकर्स हमारे लिए भी सहयोग हैं, और SHG जो हमारे जिनको हमने लिंकेज किया, फिनांस किया हुआ, उनको एक अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मौका मिले। किसान भाइयों के लिए मिलनी आयोजन ये था कि उनको अपनी स्कीम के बारे में हम बता सकें, स्कीम हमारी बदलते भी रहती है, कुछ तो पुरानी स्कीम रहती है जो चलते रहती है हमेशा, कुछ नई स्कीम भी आते रहती है उसके बारे में उनको बताना। हमने ये भी कोशिश करी कि एक ही मंच पर हम उनको जो नई टेक्नोलॉजी जो आई है कृषि से संबंधित। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।